अल्लाह ने मुफ्त में उंगलियां दी हुई थी, पैसे दे के कटवा दी, घर भी बिक गया, गाड़ी सब कुछ जो भी। तो अब ये तो नहीं कि फकीर बन के आप लोगों से मांग रहे हैं, लेकिन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने बड़ा दिया, वो मुखय्यर हज़रात हैं। देखा है कि वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि आप के बेटी के दर पे पड़े हो गए हैं, आज के साल में हो गए हैं, तो आप रियल लाइफ में जाते थे, यानी कि वो तो करेक्टर था, वैसे जिंदगी में बाहर जाते लोग आपको डरते थे आपसे? डरते नहीं थे, वो पत्थर मारते, मतलब अंगारवादी इटवा, शायद अपने इटवा, आहन दलदल, ईंधन जी दल हुआ। यहाँ तक मुझे कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं ख्वाजा सलीम कोई फकीर है, क्या नसीम विकी ने किया, प्रसाद ठाकुर ने किया, माशाल्लाह ने किया। लोग मुंह फेर जाते हैं, बुरे वक्त में एहसास होता है इस चीज का कि चैनल का नाम क्या रखा जाए, हालांकि अपने नाम से भी रख सकते, 9 लाख ही रख देंगे। ऑल ऑफ यू, अगर मेरे लिए कुछ हो सकता है, अब ये तकलीफ होती है ना तो हाय अम्मी, हाय अम्मी निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो पूरी देखिएगा। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, आज मैं मुलाकात करवाने जा रही हूँ आपकी मरूफ अदाकार से, जिनकी वजह से ऐसा करेक्टर सड़कें जैम होती थी, अंगारवादी, ईंधन, मुसलमान फिल्म और दलदल ड्रामे में काम करने वाले ख्वाजा सलीम साहब। लोगों ने कैप्शन लिखी कि बेटी के दर पर पड़ गए, मांगने पे मजबूर हो गए, क्या हुआ, कितनी सदाकत है उनके साथ, आए मेरे साथ उनसे मुलाकात। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का एहसान है। क्या हो गया पाँव को? कुछ भी नहीं, पाँव हो गया, गैंग्रीन हो गया, और अल्लाह ने मुफ्त में उंगलियां दी हुई थी, पैसे दे के कटवा दी। देख लें फिर, हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो डॉक्टर साहबान जो है वो कहते हैं लाखों रुपया भारी भरकम पैसे दें फिर हम इनको काटेंगे। हाँ। कितनी तकलीफ होती है ना अपने अज़ा को अपने सामने। हाँ, एक तो सबसे बड़ा दुख बंदे को ये होता है कि यार ये मैंने कटवा देनी है उंगलियाँ, कोई दुख नहीं होता। अच्छा, अपने को तो होता ही है, आपके करीब तरीन जो लोग होते हैं उनको, जो सचमुच आपसे लव करते हैं, प्यार करते हैं, कौन होते हैं, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, दामाद होते हैं, नवासे नवासियाँ होते हैं, पोते पोतियाँ, उनको ज़्यादा दुख होता है कि अब हमारे नाना अबू को या दादा अबू को या मेरे अबू को। जी बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर्स के लिए तो हम एक पेशेंट है ना जी, उसने पैसे लेके कोई वो काम करना है कि जी उंगली काट दो, बाजू काट दो, हाथ काट दो, लेकिन ये जो जितनी भी कटिंग है उसमें बच्चे, मैं ये समझता हूँ कि ये भी डॉक्टर की कम इल्मी की वजह से है। अब हमें तो पता नहीं है कि मेरे अगर टांग में दर्द हो रही है तो क्यों हो रही है जी, ये तो डॉक्टर बताएगा। बिल्कुल, अब डॉक्टर ने बताना होता था, बहुत से लोग जिनकी को टांग कट जाती है या उंगलियां कट जाती, पाँव कट जाता है, उनका वो ना ही, मैं पर्सनली ये फील करता हूँ, डॉक्टर्स ने मुझे जो रुसवा किया ना, वो ये किया मेरा, उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं किया जी, ठीक है, कि वेन कौन सी ब्लॉक है, हाँ, एंजियोग्राफी नहीं जी, की और सीटी स्कैन नहीं किया, वो बस उसी जख्म पे ही वो करते रहे। वो फिर एक अकलमंद डॉक्टर, अच्छा उस डॉक्टर के पास भी मेरे बच्चों ने मुझे भेजा ना, मेरी बेटियों ने, कि फलां के पास जाए, वो खैर पिंडी चले गए, इस्लाम डॉक्टर आमिर या डॉक्टर उमर है, दोनों में से कोई एक नाम है, बड़े अच्छे, वो भी प्यार करते थे शक्ल से कि ये एक्टर आया ही, उन्होंने देखा, उनका ख्याल साहब आपकी तो ये शरियाने बंद है, तो ये तो आपने, तो आप ऐसा करें, मैं आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहा हूँ, उसके पास जाएं और आप ये करवाएं ना जी, सीटी स्कैन करवाएं और एंजियोग्राफी करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं। वो जब अल्ट्रासाउंड ये वो सारा कुछ किया तो पता चला कि यहाँ से वेन बंद है, यहाँ से वेन बंद है। जब दवाइयाँ खा रहा हूँ, दवाइयाँ असर तो तब करेंगी जब दवाई उधर जाएगी जी, बिल्कुल, वो वहीं जा नहीं रही, तो बहरहाल वो फिर पता चल गया। फिर डॉक्टर हैं किश्वर, उन्होंने इलाज मेरा शुरू किया, उन्होंने स्ट्रेट में कहा खैर साहब हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि जहन में यही आता है कि यहाँ से टांग काट लें, कहते यार ये कोई इलाज नहीं है, ये वो डॉक्टर मुझे कह रहे हैं, यार मैं चाह रहा हूँ इलाज हो, मैं आपकी एक फिंगर जो है वो रिमूव कर रहा हूँ, दूसरी को हम बचाने की कोशिश करेंगे 10-15 दिन, अगर बच गई वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उसको भी रिमूव। खैर पहले उन्होंने एक रिमूव की, फिर 15-20 दिन बाद दूसरी रिमूव की, वो नहीं सही हुई ना। अब डॉक्टर
किस्मत से मेडिसिन ये वो जो भी हो, डॉक्टर राशिद वो यहाँ पे हैं वेस्कुलर सर्जन, तो उन्होंने वो इलाज कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं ये वो। और सबसे बड़ी बात मेरी बहन, पता क्या है, मैं लकी हूँ, बल्कि लकीएस्ट, कि मेरी औलाद बड़ी अच्छी है। ये एक तोहफा अल्लाह का तोहफा है, मेरी बेटियाँ, मेरा बेटा, मेरे दामाद माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, खुदा की कसम। उन्होंने कभी मुझे सुसर समझा ही नहीं। आप इतने स्ट्रॉन्ग पिलर हैं उनके, तो बाप में और ससुर में फर्क जो है ना, वो लोगों ने डाले हुए हाँ। वरना बाप मेरे बेटी देता है ना। बिल्कुल, मेरा अली है, मेरा बिलाल है, अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे, मेरी बेटियों को अल्लाह जिंदगी दे। इन्होंने मुझे संभाला। जाहिर है ये इलाज इतना महंगा है कि आदमी के एसेट्स बिक जाते हैं, कि भाई क्या बिक गया जी, कि बाइक बिक गई, गाड़ी बिक गई, घर बिक गया। लेकिन वो मुझे अच्छा पता क्या लगा, कि मेरे बच्चों ने मुझे एक सिंपल एक वर्ड कहा कि पापा ये चीजें तो हम खुद भी बना लेंगे, बिल्कुल हमें हमारा बाप चाहिए जी। तो मेरे लिए वो बड़ी प्राउड की बात थी। हाँ, मैंने कहा यार जो करता है वो करके। अब पोजीशन जाहिर है पैसे खत्म हो गए मेरे पास भी, मैं कब अच्छा लोग मैं जो आए हैं उन्होंने तो यहाँ तक मुझे कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं ख्वाजा सलीम कोई फकीर है कि बेटी के दर पे चला मैंने गया। देखा है, मैंने देखा है कि वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि आप के बेटी के दर पे पड़े हुए हैं, आज के साल में हो गए हैं, ये बन गए बेटियाँ। जो बेटे होते हैं अगर बेटे के पास रह रहे हैं कुछ दिन बेटी के पास, इसमें मेरे हाल में कोई मजायका नहीं है। आप अपनी बेटी के घर पे नहीं, उसमें बात पता क्या है, देखिए बात करने का मैं दो ही फिक्रे होते हैं ना, कि यार कहाँ जो मैं बेटी के घर जा रहा हूँ, कहाँ रह रहे हो, बेटी के घर रह रहा जी। अब रहने में और जाने में आने में एक फर्क है ना। बिल्कुल, हमारे यहाँ लोग पता क्या करते हैं कि यार मैं बेटी के इधर बैठा हूँ, अब मैं बेटी का घर आइए जी, मैं आपको अगर यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि यार मैं उसके सर पे बोझ हूँ या वो मेरे सर पे वो कोई जी। मेरे बच्चे हैं वो, पहली बात, और दूसरा मैं कोई बैगर नहीं हूँ, बिल्कुल मैं फकीर नहीं हूँ। मेरा राइट है, मैंने अपनी चीज़ें बेच के अगर अपने ऊपर लगाया है तो अपने ऊपर ही लगाया ना। हाँ, तो अब अगर पैसे मेरे पास खत्म हो गए हैं तो मैं किसी और को तो नहीं, मैं जैसे आपको कह रहा हूँ जी, यार आई नीड योर हेल्प, सिंपल। और हेल्प भी ऐसी जैसे मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आपके कुलीग से इतने अच्छे-अच्छे माशाल्लाह से, मेरे कुलीग, मैं तीन लोगों का नाम लूंगा और जरूर लूंगा, आप लेते भी हैं, भले उन्होंने मेरा एक आटे में नमक के बराबर साथ दिया, लेकिन दिया वो साथ, पैसों से कुछ नहीं होता, एहसास की बड़ी बात है। उसमें सबसे पहले सुहेल अहमद है, फिर मेरा एक भाई बना हुआ है, आप हंसेंगे, वो भाई है शगुफ्ता एजाज जी, वो उसने साथ दिया। और अभी कल परसों मुझे एक फोन आया, मैंने कहा वो अरबाज खान बोल रहा था। अच्छा माशाल्लाह, ही सेंड मी लिटिल बिट, थोड़ी सी अमाउंट, उसने कहा यार मैं ये, अब मैं खुदा गवाह है मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार ये तीन लोग हैं, इनको एहसास तो है ना जी। बाकी लोगों के कई मैं नाम नहीं लेता, मैं कईयों को बताया भी नहीं था कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ, लेकिन कईयों ने सिर्फ टेलीफोन किए हैं, तो मैं उनके टेलीफोन पे भी खुश हूँ। तीमारदारी तो की आपकी, तीमारदारी तो की है ना, पूछा तो है ना, पूछा तो है ना। कई लोग, कई हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने सलाम भी नहीं ली, दुआ भी नहीं की, कुछ भी नहीं कहा, तो मैं उनसे तो कंपेयर जब करूंगा तो जो फोन करने वाला वो मुझे पसंद आएगा ना जी। वो बहुत से हैं मुझे फोन जिन्होंने किया, नसीम विक्की ने किया, इफ्तिखार ठाकुर ने किया, माशाल्लाह सफिया ने किया, और बड़े आर्टिस्टों ने मुझे टेलीफोन किए, कराची से कैसर नजामानी ने फोन किए बहुत, और हाल हाल पूछना, ये बड़ी बात हो, बड़ी बात हो कि आपको फिर भी याद रखा हुआ। हाँ, याद रखा। शोबिज़ की दुनिया बड़ी प्यारी रंगीन, जब वहाँ पे होते हैं तो हर कोई आपका दोस्त होता है, क्या ये सच है कि जब बुरा वक्त आता है तो उसमें से चंद तो ऐसे होते हैं आपके प्लीज जो बड़े अच्छे आपके साथ वक्त गुजरा होता है, लोग मुंह फेर जाते हैं, बुरे वक्त में एहसास होता है इस चीज़ का? देखिए मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की मुखालफत नहीं की जी, बिल्कुल कभी भी नहीं की कि यार ये ऐसे है जी। भाई मैं, मेरा एक चीज़ पे ईमान है कि बुरा वक्त जो है वो बता कर नहीं आता, बिल्कुल, लेकिन सिखा के और समझा के बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ समझा के चला जाता है, बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। और ये हमारे अकवाल नहीं है, ये नबियों, पीरों, पैगंबरों, वलियों के वो हैं, हजरत अली का कौल है कि बुरा वक्त तो बहुत अच्छा होता है, इसी में तो पता चलता है कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। तो मैं तो इस चीज़ को माइंड करता ही नहीं कि अगर मेरे बुरे वक्त में अगर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो डजंट मैटर यार, ये उसकी कोई ड्यूटी थोड़ी थी, जाहिर है ये उस पर कोई फ़र्ज थोड़ी है, बिल्कुल, कि वो हो उसने नहीं किया तो मैं उसकी, नहीं,
हो सकता है उसको अपने और बड़े काम हो गए, उसका बच्चा बीमार है, अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है, अपने बीवी के लिए, माँ बाप बहन भाइयों के लिए काम, तो करे। हाँ, अगर किसी के पास कुछ ऐसा अफोर्ड करने के लायक है तो वो जरूर करे, जरूर करे, ताकि उससे जो आपका क्लीक है उसकी जिंदगी, जान, हाँ जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन कोशिश हमें अपनी जरूर करनी चाहिए। पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग नाम, बड़े स्ट्रॉन्ग करेक्टर आपने किए। अंगारवादी मैं देखती थी, मुझे डर भी लगता होता था, सड़कें जैम हो जाती थी, और जब लाइट चली जाती थी ना, फिर असं कहने बत्ती चली गई, हम असं किमें देखांगे, क्योंकि वो री बैक तो आ नहीं सकता। जो भी है उसमें जो आपका करेक्टर था, जब आप रियल लाइफ में जाते थे, यानी कि वो जो करेक्टर था, वैसे जिंदगी में बाहर जाते लोग आपको डरते थे आपसे? डरते नहीं थे, वो पत्थर मारते थे, यानी कि वो गुजरते गुजरते थप्पड़ मारते थे, निकलते हुए को पत्थर मार देता था। मेरी गाड़ी का एक मैंने गुजरा वाला में गाड़ी खड़ी की, उस वक्त FX थी मेरे पास, तो गाड़ी खड़ी की तो एक बंदे ने देखा, नौलखा आया है, नौलखा। मैंने अंदर जाना था स्ट्रीट में, मेरे एक दोस्त थे विकी, उनकी सुनील बनाने की इंडस्ट्री थी ना, मैं उनको मिलने के लिए मैं अंदर गया, वापस आया तो मेरी गाड़ी के सारे शीशे टूटे हुए थे, पत्थर मार के। पर मैं हैरान, मैंने कहा यार क्या करूँ, वो भी मेरे साथ है, ओहो तेरा कोई फैन है जिन्हें अंज किया, चला अंदर बैठ रोटी खाने। अंदर चले गए फैक्ट्री के, एक बार फिर घंटे दो घंटे के बाद खाना वाना खा के जब मैं बाहर निकला तो एक एक शीशा एक एक लाइट नहीं पड़ी हुई। क्या बात, मैंने कहा वो भी एक फैन है जिसने मार कुटाई की, और ये भी एक फैन है जिसने बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। ड्रामा सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक का मेरे पे इतना करम है, इतना एहसान है कि फर्ज कर लें कि मैंने अगर 50 सीरियल किए जी वो हिट, तो मेरा कोई एक भी सीरियल ऐसा नहीं जो फ्लॉप नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सीरियल में मैंने काम किया अल्लाह पाक ने करवाया, मैंने कभी वो सीरियल हिट ही मेरे करेक्टर की वजह से हुआ। क्या बात है, मतलब अंगारवादी हिट हुआ, शहर का सपना हिट हुआ, आहन हिट हुआ, ईंधन हुआ, दलदल हुआ, ये बाजी इरशाद हुआ, वो बड़े बंटिया आई लव यू, ये सारे मेरे कैरेक्टर पे क्लिक हुए हैं। तो ये अल्लाह की रहमत ही है ना, मैं कहता हूँ कि मेरे पे अल्लाह की, मैं पहले माँ आपसे कहा है बेटा कि मेरे पे अल्लाह की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह, ड्रामों के हवाले से भी, दोस्तों के हवाले से भी, और अपने बच्चों के हवाले से। वो करेक्टर जब आप करके घर आते थे तो बेगम और बच्चे भी डरते थे कि यार वो उनके लिए नॉर्मल बात थी? नहीं, बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे ना, हाँ बच्चों को तो भी नहीं था। और सेकंड ये कि आज भी मैं एक लफ्ज को ढूंढता हूँ, और वो लफ्ज था कि दुनिया मुझे कहती थी कि और साहब क्या आपने रोल किया, ये नौलखा, पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से, इधर उधर से फोन आते थे, लेकिन मेरी माँ मुझे कहा करती चुप कर वे तैनू की आंदा। मैं आज भी वो लफ्ज ढूंढता हूँ कि मेरी माँ मुझे आज आके कहे। अम्मी याद आती हैं, कब उनकी डेथ हुई? बहुत ज़्यादा, 97 में, ये 94, 95, 96 में ड्रामा चलता था, 97 में मेरी वालदा की डेथ हो गई। आई माँ तो नहीं भूलती ना, बाप भी नहीं भूलता, तो कोई भी नहीं भूलता, मैं कैसे भूलूँगा, नहीं भूलता मैं, मतलब आज भी अपनी माँ को। अब ये तकलीफ होती है ना तो हाय अम्मी, हाय अम्मी निकलता है जहन से, दिल से, दिमाग से, जुबान से, यही निकलता है, अरे माँ मेरी ये। अब क्या, क्योंकि जो एहसास होता है वो माँ के एक लफ्ज में है, और वो लफ्ज कभी नहीं मरता, कभी भी नहीं मरता। आज भी मैं समझता हूँ कि मेरी माँ जिंदा है, क्योंकि उसकी दुआएं मुझे आज भी लगती है, आज भी मेरी माँ की दुआएं हैं मेरे साथ, और मेरी माँ की दुआएं ही हैं, मेरी औलाद अच्छी है, मेरे दामाद अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, ये मेरी माँ की दुआ है मुझे, बस शुक्र अल्लाह। आप ठीक हो जाए इंशाल्लाह, और आप ठीक हो गए, बड़े स्ट्रॉन्ग चलें फिरेंगे भी। और इन्होंने एक चैनल बनाया है फखरे एशिया, सबको कॉल्स की कि चैनल का नाम क्या रखा जाए, हालांकि अपने नाम से भी रख सकते, नौलखा ही रख देंगे। लोगों ने मुझे कहा, ख़ास तौर पे मेरे जो इंडियन फैंस जी, उनमें कई आर्टिस्ट भी हैं, वो उन्होंने कहा जी कि आप, उन्होंने डिटेल ये लिखी हुई थी कि ख्वाजा साहब आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपको हाँ। एशिया का फ़ख्र है जी, आपने ये किया, ये किया, ये किया, आप अपने चैनल का नाम ही फखरे एशिया, फखरे एशिया, लिंक
डिस्क्रिप्शन में उनके ये जो चैनल है इसके ऊपर बड़ी दबंग ये व्लॉगिंग किया करेंगे, पाँव इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो कैसे ठीक होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बड़े फ़ैन है मेरे, आपको पता जब भी कहीं भी हेल्प की बात आई है, चाहे वो सिलाई स्कूल है, हॉस्पिटल है, या कोई बीमार है, या असद अब्बास भाई थे, या जितने भी मैंने आज तक जो भी किसी का लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, आसिफ भाई का हमने कराया, हम सब ने मिलके, या फ्लड आया, कोई भी मुसीबत आई, तो आप लोग हमेशा की तरह मेरे साथ खड़े हों हुए हैं, ये तहे दिल से शुक्रिया। आज भी अगर हमारे साथ आप खड़े हों तो हम बचा सकते हैं। मैं अपने फादर को नहीं बचा सकी, आई लॉस्ट माई फादर, आप जानते हैं मैंने उनको लॉस किया, लेकिन वही कंडीशन मैंने देखी कि पाँव की उंगली जो है वो दोनों रिमूव कर दी गई हैं। ज़ख़म आगे बढ़ता है, भारी भरकम पैसे हों तो फिर जाके बंदा इलाज कराता है, एसेट बिक जाते हैं, पाकिस्तान का एसेट है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। जब कोई आपका एसेट, कोई इस तरह आर्टिस्ट आपका और मरूफ आर्टिस्ट जिसने पाकिस्तान को कितने साल दिए जी आपने, 46-47 अपनी ज़िंदगी के 50 साल या 47-48 साल दिए हैं पाकिस्तान को, तो हक बनता है गवर्नमेंट का फौरी तौर पर सारा ट्रीटमेंट फ्री करे। उसके बाद ट्रीटमेंट जो होता है ना, 5-6 लाख का जो खर्चा कहते हैं, 10-12 लाख लग गया, वो तो एक सिर्फ होता है जो डॉक्टर ने अपनी फीस दे के आपको काट पीट करनी है, बाकी जो आपकी कंटिन्यूसली मेडिसिन चलनी है, जो आपने खाना है, जो पीना, डायबिटिक पेशेंट हैं और घर भी बिक गया, गाड़ी सब कुछ जो भी, तो अब ये तो नहीं कि फ़कीर बन के आप लोगों से मांग रहे हैं, लेकिन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने बड़ा दिया, वो मुखय्यर हज़रात हैं, तो दिल खोल के आप मदद करें ताकि उनको अपने पाँव पर खड़ा कर दें, शायद कोई अंगारवादी या दलदल ईंधन जैसा करैक्टर आपको फिर देखने को मिल जाए। आज तक आजकल देखा जाए तो टिकटॉक ये वो डांस वांस ये सारी चीज़ें फजूल रहेगी, जो करैक्टर थे, जो मैंने देखे हैं, जो हम देखते थे, जिसको देखने में मज़ा आता था, वो आज बीमार पड़े हुए हैं। तो हमें चाहिए कि आज की जनरेशन जो लोग हैं वो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाएँ और इनको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया उस्मान, आई रियली रिस्पेक्ट यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, यू आर एक्सीलेंट वुमन, यू आर एक्सीलेंट गर्ल। आपने जो मैंने सुना हुआ नंबर इनका, मैं अक्सर नंबर लोग मुझे फ़ोन करके पैसे भेजते हैं, जो कि मुश्किल प्रोसेस भी है, मुझे भेजते हैं, फिर मैं आगे देने जाती हूँ। असद अब्बास को आप लोगों ने 1.5 करोड़ के दिए, मैंने अपने हाथों से जा जा के उनके घर पे दिए। इनका डायरेक्ट नंबर जो है ना वो मेरी स्क्रीन पर चल रहा है, फ़ोन करके आपने ये नहीं पूछना कि सर नौलखे का डायलॉग बनना, फलाना इंज करना, थानू की हो गया ये वो, जो जिसकी इस्तात है वो इनकी हेल्प करें। मैं इनको अपने पाँव पे दोबारा खड़े होकर, इनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि ये करैक्टर करना चाहते हैं गुंडे का, जिसमें जिस्म नहीं काम कर रहा लेकिन ये करैक्टर करना चाहते हैं ना। बिल्कुल, मैं एक डिसेबल गुंडे का करैक्टर करना चाह रहा हूँ, जिसके हाथ भी मुड़े हुए हैं, पाँव भी मुड़ा हुआ है, मुँह भी मुड़ा हुआ है, आँखें भी मुड़ी हुई, हाँ, गर्दन भी टेढ़ी है, लेकिन है वो गुंडा। मैं आल्सो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एक्टिंग लाइफ जी कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, नहीं किया जो, क्योंकि मेरे लिए ऑनर की बात यह है कि मैं व्हेन आई वाज इन टीन एज ना, हाँ, तो 1984-85 में मैंने एक ड्रामा किया था बुड्ढा ट्रंक बोस की, आई वाज यंग एट दैट टाइम, टीन एज में था, 84 में मैं पैदा हो गई थी, हाँ, काश मैं वेंदी लेकिन वो ड्रामा मैंने किया खालिद अब्बास डार का, बुड्ढा ट्रंक बोस की, उसमें मैंने बुड्ढे का रोल किया था और वो बुड्ढा जो था वो 90 साल का था। अच्छा, और उस वक्त मुझे उस एक कैरेक्टर पे पता नहीं कितने अवार्ड मिले थे कि यार ये नौजवान सा लड़का है, इसने 90 साल, उसके मतलब आई वॉन्ट टू डू दैट वंस अगेन जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप मैसेज देना चाहें वज़ीरे आला पंजाब हमारी मरियम नवाज़ साहबा, बड़ा काम कर रही हैं, मैं भी आपकी आवाज़ उन तक पहुँच जाए, मेरे साथ खड़े हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अगर आप उनको कहना चाहें कुछ तो खुले लफ्ज़ों में कह दें, मैंने तो कह दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो तो वैसे ही लवली लोग होते हैं जी, उसकी वजह पता क्या है बुनियादी, आप वो लोग हैं जो घर से एक बंदा जाता है और घर पे 40 बंदों को पालता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात हो जाए, आई हैव बीन देयर इन यूके, कनाडा, लंदन में रहा हूँ, मुझे पता है कि इंसान अपना पेट काट कर अपने बहन भाइयों, माँ बाप, बच्चों को रोटी भेजता है। उसकी वजह यह है कि जब वहाँ पे लंदन में लिखा होता है ना कि ब्रेकफास्ट इन 10.99 जी, यानी 11 पाउंड में, वो 11 पाउंड जो है वो बंदा जब कैलकुलेट करता है ना, हाँ, यार 1 पाउंड 350 का है तो ये तो 5,000 में पड़ गया मुझे जी नाश्ता, फिर वो बड़े तरीके से इस्तेमाल करता है ताकि वो घर पैसे भेज सके। इसी तरह खाना भी है, मैं
ओवरसीज पाकिस्तानी को सलूट करता हूँ और स्पेशली फ्रॉम द चैनल ऑफ माई सिस्टर, मेरी बच्ची भी है, मेरी बहन भी है, छोटी बहनें जो होती हैं, बेटियाँ ही होती जी। तो इसके हवाले से भी ये कहूँगा कि जो आप कर सकें वो ज़रूर कीजिएगा, बट कीपिंग योर माइंड आई एम नॉट ए बैगर, आई नीड हेल्प, दैट्स अनदर थिंग। बट मुझे मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि अल्लाह वास्ता मैंने ऐसे दे दियो थे। आप गवाह भी हैं, मैंने जैसे पहले से कह रहा था मैं कि मैंने अपनी आंखों से लोगों को स्टेज से उतर के अपनी टोपी उतार के हॉल में जाके दो दो चार चार पाउंड मांगते हुए देखा हुआ, अपनी आंखों से देखा हुआ, और उसी कैप में पैसे लेके वापस स्टेज पे आते थे और फिर कमाते थे। उसमें से कई लोग इस दुनिया में नहीं हैं, कई लोग हैं जो हैं, अल्लाह उनको शऊर दे, जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफरत। आमीन। तो मेरे लिए आई नीड योर हेल्प फ्रॉम द चैनल ऑफ माई स्वीट उज़्मा। और सेकंड ये आप कुछ और भी आप कह रहे थे कि उनके लिए हुकूमत पंजाब के लिए जी, आई हैव गिवन ऑलरेडी द एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब उसमें दी भी है। बस मैंने यही कहा था उसमें भी कि यार मुझे 1.5-2 million दे दें या कुछ भी दे दें, या सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 40-50 सालों में मैंने टैक्स दिया है, आज मुझे ज़रूरत है वो 10,000 तो दिया होगा, वो 10,000 में मैं अपना इलाज करवा लूँ। बहरहाल आई रियली रिस्पेक्ट यू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल ऑफ यू, अगर मेरे लिए कुछ हो सकता है ज़रूर करें। देखें जी, हमने एक छोटी सी मैंने फाउंडेशन बनाई, ठीक है, जिसमें हम लड़कियों को सिलाई सिखाते हैं, जिसमें मेरे पास थोड़े से पैसे पड़े होते हैं। तो मैंने ये खुले आम कहा कि अगर किसी ने मुझे कभी डोनेशन दी थी, खुदा ना खास्ता उसके ऊपर कभी, खुदा ना खास्ता कि मैं पहले बोलूँगी, बुरा वक्त आता है तो मुझे कहे, तो मैं उसके पैसे उसको वापस करने को तैयार हूँ। माशाल्लाह, देखे ना, टैक्स हम पे करते हैं, तो आज अगर बीमारी आ गई है, बड़ी बीमारी आ गई जिसके ऊपर काफ़ी खर्चा है, तो वो टैक्स के पैसे अगर लौटा दिए जाएँ, पाकिस्तान को आपने इतना देकर नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, तो आज इनका जो नाम रोशन जो था, है और इंशाल्लाह रहेगा। दुआ भी आपने करनी है कि अल्लाह पाक सेहत दे और दिल खोल के हेल्प करनी है। थैंक यू सो मच, ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।